हेलो नमस्कार। कुछ ही क्षणों में माननीय अतिथिगण पधारने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ ही क्षणों में अतिथिगण पधार रहे हैं व विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा।
नमस्कार। रण बांकुरों की धरती, रंग रंगीला राजस्थान, न केवल अपने शौर्य, वीरता, अनुपम त्याग, बलिदान के लिए विख्यात है, बल्कि सौहार्दपूर्ण आत्मिक स्नेहिल आपसी संबंधों के लिए भी विख्यात है। पारस्परिक संबंधों के इन्हीं भावों को और प्रगाढ़ करते हुए गुलाबी शहर जयपुर में स्थित राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में आयोजित भारतीय लोकतंत्र की गहराई को प्रतिबिंबित करता आज का यह विदाई समारोह, इसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। औपचारिक समारोह कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। कुछ ही क्षणों में माननीय अतिथिगण हमें अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। माननीय अतिथिगण के पधारने के पश्चात सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत से शुरुआत की जाएगी। तत्पश्चात माननीय नेता प्रतिपक्ष का पुत्र को पौधे भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय व अन्य विधायक दल के नेताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबोधन किया जाएगा। उसके पश्चात माननीय नेता प्रतिपक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। तत्पश्चात आभार प्रदर्शन व राष्ट्रगान होगा। माननीय अतिथिगण हमारे मध्य पधार रहे हैं। माननीय अतिथिगण हमारे मध्य पधार चुके हैं। मंच को अपने गरिमामय भावपूर्ण सान्निध्य से सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार जी दारीवाल साहब। आपके गरिमामय सानिध्य से हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं, आनंदित हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया शीघ्र ही असम के माननीय राज्यपाल के पद पर आसीन होने के लिए हमसे विदा ले रहे हैं। इस अवसर पर उनके सम्मान में राजस्थान विधानसभा द्वारा उनको भावभीनी विदाई देने के लिए यह समारोह आयोजित किया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से ज्योतिर्मय राजस्थान विधानसभा भवन में आयोजित इस विदाई समारोह में उपस्थित आप सभी महानुभावों, माननीय सदस्यों, सम्मानित अतिथियों, मंचस्थ सम्मानित अतिथियों का राजस्थान विधानसभा की तरफ से हृदय के अंतःकरण से भावपूर्ण अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की जा रही है। आपसे अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए सादर आग्रह है।
वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष का हृदय के अंतकरण से स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर हरियाली, खुशहाली, प्राण चेतना के प्रतिरूप, सृजन, प्रगति, उन्नति और परोपकार के प्रतीक, एक खुशहाल भविष्य को अपने में समेटे हुए रंग बिरंगे नन्हे पौधों को बेंट कर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया का स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आग्रह है माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आग्रह है श्री अशोक जी गहलोत साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, विनम्र आग्रह है, कृपया आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। एक मिनट। अब श्री शांति कुमार जी दारीवाल माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह है कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पौधा भेंट कर स्वागत करें। अब श्री राजेंद्र जी राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष से आग्रह है, कृपया आप पौधा भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। कौन कौन से नाम काटते हैं? राम प्रसाद जी सुभाष, ये है अब श्री पुखराज जी माननीय नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक दल से आग्रह है, कृपया आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पौधा भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। अब आग्रह है श्री बलवान जी पूनिया माननीय नेता सीपीआईएम, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। अब आग्रह है माननीय सदस्य श्री संयम जी लोडा से कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी हमने नन्हे रंग बिरंगे पौधे भेंट कर माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। अब माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से विनम्र आग्रह है कि वे कृपया शाब्दिक रूप से आपका स्वागत भी करें और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने की कृपा भी करें।
माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब। समारोह के आज के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य और मनोनीत राज्यपाल आसाम सम्मानी गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानी अशोक जी गहलोत साहब, संसदीय मंत्री माननीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब, उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे विधानसभा के एक सदस्य जिनको राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया राज्यपाल, उनका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की उसी महाविद्यालय से कटारिया साहब ने भी पढ़ाई की, एमए ज्योग्राफी में की, एलएलबी की और अध्यापक रहे और प्रैक्टिस भी की, और एक छात्र के रूप में मुझे भी जब विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला तब मैंने देखा बहुत नज़दीक से एक कार्यकर्ता के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया को, और आज एक राज्यपाल के रूप में मनोनीत कर देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये सौभाग्य मेरा और भी ज़्यादा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ उस विधानसभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के वो निवासी हैं। मेरे पिताजी का भी अध्यापन का काम जब आज़ादी के समय हुआ था उस गांव में हुआ था। विशेष रूप से मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रसन्नता है, इसलिए मैंने ये अवसर ढूंढा कि भाई मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने अभिव्यक्त कर सकूं। एक कार्यकर्ता से नेता के रूप में जो कटारिया जी ने ऊँचाई प्राप्त की उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वो ज़माना था जब इंदिरा गांधी जी का पूरे देश में नेतृत्व था, एमरजेंसी हो गई थी, एमरजेंसी के समय में कार्यकर्ता के रूप में कटारिया जी ने अपना जीवन प्रारंभ किया, यदि मैं ठीक ढंग से समझ सकूं मैं, और 77 में ये पहली बार एमएलए बने उदयपुर से। हम भी छात्र राजनीति में थे और हमारे मन में भी कल्पना थी कि राजनीति में हम विधायक बनेंगे, ये बनेंगे। मुझे विधायक बनने का मौका मिला 1980 में, कटारिया जी को मौका मिल गया 1977 में। तो कटारिया जी का एक कार्यकर्ता के रूप में, मेरे विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में, फिर मैंने मंत्री के रूप में देखा, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखा, विपक्ष के नेता के रूप में देखा। तो संसदीय जीवन में कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को प्राप्त करता है उसके पीछे मैं जो समझ पाया हूँ एक निष्ठा, वैचारिक निष्ठा। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने अपने वैचारिक के आधार पर निष्ठा रखने का स्वतंत्रता है। तो जो कुछ भी आप अचीव कर पाए मैं समझता हूँ कि एक वैचारिक दृष्टि से जिस विचार को आप समर्पित थे उस कार्यकर्ता के रूप में आपने पूर्ण समर्पण रखा, जिसके कारण आज आप मुकाम पर पहुँचे हैं। संसदीय लोकतंत्र में ये आवश्यक है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग राजनीति में काम करेंगे, और संसदीय लोकतंत्र की यही ताकत है कि हम वैचारिक दृष्टि से लोगों के बीच जाएं और अपनी वैचारिक बातों को जनता के बीच में कहें, मत लें, सत्ता में आएं और राज करने का काम करें, तभी हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देखते हैं। तो एक परिवर्तन जब हो रहा था जयप्रकाश मूवमेंट का, उस परिवर्तन में कटारिया जी एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े, और आज देश में जो दूसरा परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में आज राज्यपाल की भूमिका में वापस जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी नज़दीक से मैंने देखा है राजनीति में जो परिवर्तन है, जो अगला परिवर्तन होने वाला है इस देश में, उस परिवर्तन में ये ज़्यादा आवश्यक है कि हम वैचारिक दृष्टि से संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें। विनेबिलिटी के आधार पर विधायक बन जाना, सांसद बन जाना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वैचारिक आधार पर यदि सत्ता में हम आते हैं तो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होता है, और आज देश में ये आवश्यकता है कि संविधान में हमने कल्पना की कि कौन से विषय हैं जो संसद से निर्णय करेगी, कौन से विषय हैं जो विधानसभा निर्णय करेगी, और कौन से विषय हैं जिन पर कॉन्क्रीट लिस्ट में है। वहाँ अल्टरनेट गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि हम कौन सी वैचारिक जनता के सामने बात रखना चाहते हैं, किस विचार के आधार पर देश का हम नीति बनाकर देश का निर्माण करना चाहते हैं। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हमने अडॉप्ट किया है, देश में जो चिंता चल रही है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है या लेजिस्लेटर के ज़्यादा जुडिशरी सुपीरियर है। इस देश में जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर बैलेंस है उसमें एब्रेशन आता जा रहा है, और ये ज़्यादा आवश्यकता है कि आज हम अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटर की, क्योंकि जनता चुनती है विधायक को, और यदि हम एग्जीक्यूटिव की असेंबली ही नहीं चलती है तो जो गवर्नेंस में वाचडॉग की जो भूमिका का हम निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि हम संसदीय जीवन में
वैचारिक आधार पर कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को समर्पित होकर नेता के रूप में उभरते हैं तो वो पार्टी के लिए भी मजबूत होता है, देश के लिए भी मजबूत होता है। और इसी सब दृष्टि से मुझे लगता है कि कटारिया जी को मैंने बहुत लंबे समय से देखा है, अब आपकी भूमिका दूसरी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की भूमिका बहुत क्लियर कट लिखी हुई है। गवर्नर की भूमिका में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि संवैधानिक जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत पावर है, जहां मैजेस्टी के आदमियों को लिए गवर्नेंस करने के लिए गवर्नर को इंटरवेंट करने का अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि संसदीय जीवन में इतना अनुभव और जो संवैधानिक उत्तरदायित्व इनको मिल रहा है वो उत्तरदायित्व राजस्थान में जितने भी लोग अलग अलग सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं उनके लिए एक उदाहरण बने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी देखा है, प्रतिपक्ष के रूप नेता के रूप में भी देखा है, सहृदयता भी देखा है और वैचारिक दृष्टि से मजबूत आदमी भी देखा मैंने। तो बहुत बहुत कभी कभी जो हमारे अनुभव हैं वो अच्छे भी रहे हैं, कड़े भी रहे हैं। जो कुछ भी हमने चार साल विधानसभा में गरिमापूर्ण काम कर सकें उसमें कटारिया जी की व्यक्तिगत रूप में प्रतिपक्ष की भूमिका रही, इसलिए हम यहाँ पर अच्छे उच्च मापदंड स्थापित कर सके, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे CPA हो, उनमें हमने जो प्रोग्राम किए सब इसलिए हो सके कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कटारिया जी की भी एक अहम भूमिका रही, इसलिए हम ये सब नए मापदंड स्थापित कर सके। मैं कटारिया जी आपके बहुत स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, लंबे जीवन की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर आप उस गरिमा परिस्थिति को और ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे जिससे हम सब गौरवान्वित हो सके कि एक विधानसभा सदस्य के रूप में आपके साथ बैठकर हमने काम किया और आपको जब अवसर मिला जब आपने उस भूमिका का निर्वहन किया। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष के व्यक्तित्व पर, आपसी संबंधों पर, उनकी प्रारंभिक और सार्वजनिक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत आभार। संबोधन की इसी कड़ी में अब आग्रह है माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष से। आज के इस भावपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ क्षण पहले इस विधानसभा के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता और आज विदाई समारोह के बाद जिनको हम महामहिम कहकर संबोधित करेंगे, ऐसे आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनकी सदारत में ये विधानसभा गरिमापूर्ण अपना सफर पूरा कर रही है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी धारीवाल साहब और इस सभागृह में उपस्थित सभी सभासदों, गुलाब जी भाई साहब, मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से, आदरणीय वसुंधरा जी की ओर से आपको महामहिम पद पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नामजद करने के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता और भाव दोनों ही भावुकता के दोनों क्षण है। आपके साथ अलग अलग भूमिका में काम करने का मौका हम सब लोगों को मिला। आप में हमने एक अभिभावक को देखा, आप में हमने एक हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस विधानसभा की स्वस्थ परंपराओं को और किस प्रकार मजबूत करें, हम इस विधायी कार्य को किस प्रकार सक्षमता से करें, उस पथ प्रदर्शक के रूप में भी देखा। आप में हमने उस वरिष्ठ साथी के तौर पर भी देखा जिनमें नेतृत्व के साथ साथ सामूहिकता को हमने देखा। आपके जीवन दर्शन को जब हम देखते हैं, एक छोटे से गांव से निकलकर 8वीं की कक्षा में सुदूर उदयपुर जाकर किराए के मकान में खुद रोटी बनाकर आपने शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद झाड़ोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में एक आदर्श अध्यापक की भूमिका में आप रहे और निश्चित तौर पर एक राजस्थानी शिक्षा मंत्री के रूप में भी आपको याद करेगा।
राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से मुफ्त पुस्तक वितरण करने के उस कार्यक्रम में उस नवाचार को आपने भैरव सिंह जी के नेतृत्व में किया। वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक कुशल प्रशासक और गृह मंत्री को हमने देखा, गंभीर अपराध के अंदर, दुर्दांत अपराध के अंदर किस प्रकार केस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। और अब इस 15वीं विधानसभा में हमने आपकी सक्रियता को देखा, आपके गरिमापूर्ण व्यवहार को देखा, और मैं कह सकता हूं कि जिस दल में मैं हूं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इस विधानसभा में जिस गरिमापूर्ण परंपराओं को स्थापित किया, उन्हीं परंपराओं के वाहक आप बने। और आपको पीएससी के चेयरमैन के रूप में, मुझे मेरे साथी संयम लोडा बता रहे थे, हमें गर्व है कि जो भी काम आपको मिला आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। आपकी कमी गुलाब जी भाई साहब, आपका सफ़र आज गुलाब जी भाई साहब से महामहिम के पद की ओर अग्रसर है, पर हमें हमारे जहन में हम आपके व्यक्तित्व को कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी नज़र उठेगी इस कुर्सी की ओर हमें आप नज़र आओगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप आसाम में भी इस राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ आपका मन में उन पुराने साथियों के प्रति, और मैं इसी मंच से गुलाब जी भाई साहब, बहुत सी जीवन के अंदर जब साथ काम करते हैं कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, जब मुझे ये बताया गया कि मुझे कुछ कहना है तो मेरे कई साथियों ने कहा कि इसी मंच से, इस जहाँ से आप बोल रहे हो, हम सब की तरफ से शुभकामनाओं के साथ साथ, गलतियां हमारी हुई होगी यहीं छोड़ कर जाएं, बस आपकी यादें रहेगी, ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका दीर्घायु हो, आप महामहिम राज्यपाल के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में और संवैधानिक दायित्व के रूप में और ऊंचाइयों को छुएं, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, आपका भावपूर्ण उद्बोधन बहुत सारगर्भित रहा। अब आग्रह है माननीय श्री पुखराज जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक दल के नेता से। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गुलाब जी कटारिया साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, अध्यक्ष साहब सी पी जोशी जी, धारीवाल साहब और सभी मंत्रीगण और सदस्यगण, आज का समारोह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है कि हमारे बीच से इस सदन के प्रतिपक्ष के नेता रहे माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब को राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया है। इसलिए मैं पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। कटारिया साहब के साथ में पिछले 4 साल से इस सदन में बैठने का मौका मिला और देखा उन्हें कि इन्होंने हमेशा विपक्ष की भूमिका में जो भी दलित गरीब पीड़ित और युवाओं की जो भावना थी उसको विधानसभा के अंदर बेबाकी से और तथ्यात्मक और सहृदय से रखी। और हमेशा कटारिया साहब का मैंने महसूस किया, जब भी सदन में कोई छोटा मोटा व्यवधान आता तो इनकी हमेशा एक पॉजिटिव सोच रहती थी कि सदन चलना चाहिए, हाउस चलना चाहिए। और अभी सी पी जोशी साहब ने बताया कि आप साथ में पढ़े हुए हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि आप दोनों के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन था कि आप बिना कुछ बोले एक दूसरे की भावना को समझते थे और हमेशा सदन कैसे चले उसके बारे में पॉजिटिव आपने सोच रखी। हम सभी को आपने अच्छे जो गाइडलाइन दी, इसके लिए मैं पुनः
आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री पुखराज जी का। अब आग्रह है माननीय श्री बलवान जी पूनिया CPIM विधायक दल के नेता महोदय से। आज के इस भावभीनी विदाई के कार्यक्रम में होने वाले राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, CP साहब धारीवाल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी, BJP के अध्यक्ष पुनिया जी, तमाम विधानसभा के स्टाफगण, तमाम पत्रकार साथियों, हम तो वो भाग्यशाली MLA हैं जिन्होंने इतने अनुभवशील लोगों को देखा। और साहब, हमने तो आपके दिन में तीन तीन रोल देखे। आप प्रश्न काल में कितने गंभीर होते हो, कितना मीठा मीठा बोलते हो, फिर आप जब विरोध करते हो तो आप कितने तेज बोलते हो। जब आपका 40 मिनट का भाषण है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कभी आपका भाषण छोड़ा ही नहीं, इधर उधर गया हुआ था तो वाक्य है अभी सुने हम, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव हमें भी ये बातें सिखाएगा कि प्रदेश की जनता की, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बातें कैसे उठाएं, कैसे पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाएं। मैं CP साहब का और आपको दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि धारीवाल जी ने जो कार्यक्रम, संसदीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम दे दिया, BSC ने जो कार्यक्रम तय कर दिया, आपने सदन को लंबा चलाते हुए प्रदेश की जनता की बात को इस सदन में रखा। और हम तो वो सौभाग्यशाली विधायक हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपको राज्यपाल होते हुए भी हमने देखा है। मेरी आपसे एक मांग भी रहेगी कि आप जाते जाते एक चाबी आपके पास, ये मदन जी दिलावर को काबू करने की, वो किसी को जरूर सौंप के जाना, नहीं तो ये किसी के ताबे नहीं आएंगे, फिर आपकी बहुत याद आएगी। राठौड़ साहब जो गड़बड़ कर देते हैं आप उसको भी सलटा देते हो, पर राठौड़ साहब तो आप पुराने अनुभवी आदमी, इनकी चाबी तो मैं नहीं मांगूंगा, पर दिलावर जी की चाबी जरूर दे के जाना किसी छाने आदमी को, मेरे को दे जाओ तो भी मैं संभालूं कि मेरे पास बैठते हैं। मुझे याद है उस दिन जब आप दिलावर जी ज्यादा चिंगर गए थे और आपने ऐसी घुड़की लगाई, उस दिन के बाद इनके व्यवहार में फर्क आ गया मामी। मैं नोट करता हूं, मैंने मेरी डायरी लिखता हूं मैं छोटी मोटी, मैंने उसमें लिखा कि आपने कैसे एक आदमी को यूं, नहीं तो इनकी ब्रेक है ही नहीं साहब, पर आपके पास ब्रेक है। ये रोल भी मैंने आपका देखा है। मैं हृदय की गहराइयों से CPIM की तरफ से आपका उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आसाम की वो पूर्वोत्तर की जनता को भी आपके अनुभव का फायदा मिलेगा। आप संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे, संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबने हम सबको ये मौका दिया, इसके लिए CP साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने, आपने हमारी सब लोगों की बात भावनाओं को ध्यान में रखा। और धारीवाल जी का तो कहना ही क्या है, आप तो इनके साथ जूठे लड़ते हो। मैंने आपको लिफ्ट में देखा एक दिन, पहले दिन आप किताब की बात को लेकर के लड़े और दूसरे दिन लिफ्ट में मैं चुपचाप आपके साथ आया और आप दोनों ने बड़े प्यार से गले लग करके बात करी। ये चीज़ें हमें विधानसभा में बैठ करके और इस कार्रवाई को देखने का, काम करने का अनुभव मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री पूनिया जी का। आपने विदाई के भावपूर्ण पलों में हंसी की फुहारें बरसाई। अब आग्रह है भारतीय ट्राइबल पार्टी विधायक दल के नेता माननीय श्री राम प्रसाद जी से कृपया अपना संबोधन दें। समारोह के मुख्य अतिथि कटारिया साहब, CP जोशी साहब, अशोक गहलोत साहब, धारीवाल साहब और हमारे सदन के विराजमान माननीय सदस्यगण, आप सबको हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। और हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, क्योंकि हमें पहली बार विधानसभा में मौका मिला है तो उनके साथ में हमने विधानसभा में डिबेट वगैरह, उनकी जो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारियाँ थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। और साथ में ही एक नई जिम्मेदारी जो राज्यपाल के रूप में उनके ऊपर आई है,
वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, उसके लिए उनको बहुत बहुत जोहार अभिवाद अभिनंदन करते हैं। और ख़ास तौर से मैं उस लूल एरिए में आदिवासी बेल्ट के होने की वजह से, उदयपुर संभाग की होने की वजह से आदिवासी की तरफ से हम उनका हार्दिक जोहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं कि वो अपने संवैधानिक पद पर बखूबी अपना निभाएंगे और राजस्थान की मान को ऊंचा उठाएंगे। यही बात करके मेरी बात खत्म। जय जवाहर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राम प्रसाद जी का। अब आग्रह है श्री संयम जी लोढ़ा माननीय सदस्य से। महामहिम राज्यपाल कटारिया साहब, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल साहब, सभी माननीय सदस्यगण, देश में जब कई विधानसभाएं अपनी निर्धारित बैठकें नहीं कर पा रही है, उस माहौल में राजस्थान की इस 15वीं विधानसभा ने आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से एक इतिहास रचा है और इसका श्रेय माननीय विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद जी कटारिया साहब को है, नहीं हुई हो। और आपका जीवन, संसदीय जीवन, सामाजिक जीवन, संगठनात्मक जीवन, राजनीतिक जीवन उजाले से भरा रहा है। इस दौर में जब हम लोग सदन में आने के लिए तो लालायित रहते हैं, लेकिन सदन में आने के बाद उसकी बैठकों से मुंह मोड़ने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, उस दौर में आप सारे नए सदस्यों के लिए और सबके लिए एक आदर्श के रूप में हैं। सदन में आपका बैठना, सदन की गतिविधियों में भाग लेना और जनता की आकांक्षाओं का मंच इस सदन को बनाने का पुनीत कार्य आपने लगातार अनवरत किया है। हमने आपसे बहुत सीखा है और सरलता आप में इतनी थी, जब मैं दूसरी बार 2003 से 8 में कांग्रेस पार्टी का विधायक था, एक दिन आप घर पर आ गए, मंत्री थे आप, और कार्ड लेकर के शादी का, आपने कहा कि बेटी की शादी है, आपको आना है। मैंने कहा अरे आपने क्यों कष्ट किया, आप कार्ड भिजवा देते, तो आपने कहा कि नहीं नहीं। लेकिन आज किसी मंत्री का इस रूप में घर में आना कार्ड देने के लिए एक दुर्लभ चीज़ है, तो आपकी उस सरलता को भी नमन है। और जन लेखा समिति में हमने 5 साल आपके साथ काम किया। इस बार जब राजस्थान विधानसभा की भी दूसरी सारी समितियां निष्प्रभावी हो रही है, उस दौर में आपने कठोर परिश्रम से बहुत अध्ययन करके और जितने भी नए सदस्य आए हैं उनको भी भाग लेने का पूरा अवसर दे करके जन लेखा समिति को भी बहुत प्रभावी रूप में आपने संचालन किया। हम सब ने आपसे बहुत सीखा है, आने वाली पीढ़ियां भी आपसे सीखेगी। आप राजस्थान की इस विधानसभा के इतिहास में एक सूरज की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। मैं ये जरूर कहूँगा कि 45 साल पहले आप इस सदन में आए हैं और आपका पूरा जीवन इस सदन में और इस सदन की गतिविधियों में रहा है, आपका वहाँ मन कैसे लगेगा, क्योंकि इतना इतना डूब करके आपने इन गतिविधियों को जिया है। तो मैं इस मौके पर सभी साथियों की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हम पर हमेशा अपना स्नेह बनाए रखा। हालांकि भाजपा विधायक दल के सचेतक ने मुझे आज सुबह कहा कि आप सबसे ज़्यादा कटारिया साहब से गुत्तम गुत्ता हुआ, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वैचारिक लड़ाई जैसा अध्यक्ष जी ने कहा वो अपनी जगह है और व्यक्तिगत स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद अपनी जगह है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार माननीय श्री संयम जी लोढ़ा साहब का। अब उद्गार व्यक्त करने के इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सरल सहृदय व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय श्री गुलाब सिंह कटारिया जी, डॉक्टर सी बी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, तमाम मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, माननीय सदस्यगण,
अभी मैं डॉक्टर सी पी जोशी जी का और तमाम साथियों का सबके उद्गार सुन रहा था जो कटारे साहब के बारे में कहे गए, और मैं समझता हूँ कि आज हम सबका यहाँ बैठना एक साथ में विशेष कई बार बैठे हैं, पर राज्यपाल के रूप में जा रहे हैं हमें छोड़ करके, और विदाई समारोह रखा गया है स्पीकर साहब के माध्यम से द्वारा। उस वक्त में कई बार हम कहते हैं कि लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, व्यक्तिगत नहीं है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है। ये कोई कम बात नहीं कि अलग अलग विचारधाराएं होती है, और यही होनी चाहिए। एक बार बड़ौदा के अंदर राहुल गांधी को पूछा एक व्यक्ति ने, गुस्से में कहा कि बीजेपी आ रही है ख़त्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वो रहेगी, आरएसएस रहेगी, बीजेपी रहेगी, उनकी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा। और राहुल गांधी ने एक बार हाउस में कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन आप सबका, मतलब बीजेपी वालों का भाव बदल के रहूँगा, बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे अलग बात है, तो ये कहना कि मेरा रास्ता सही है सत्य का या सद्भावना का, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, अहिंसा का, और मैं आपको इस रास्ते पर ला के रहूँगा मुझे विश्वास है, ये कहना बहुत बड़ी बात है। आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा कौन जाएगा अलग बात है, तो मुझे हमेशा वो सब याद आते हैं। एक बार वो भावुकता में चले गए प्रधानमंत्री के पास गले मिलने के लिए, वो भी आपने देखा होगा, आलोचना भी हुई उनकी। पर आज हम बैठे साथ में, ये मैं समझता हूँ कि सी पी जोशी साहब ने कहा बचपन से हमें इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कई बार मेरी पार्टी में मेरे साथियों कहता हूँ, अगर परसा मदेरणा जैसा व्यक्ति, हृदय जोशी जैसा व्यक्ति और गुलाब गढ़ाई जैसा व्यक्ति भी आज मैं कह सकता हूँ, अगर ये नौवां विधायक बन सकते हैं, एक बार मैं पार्लियामेंट में सकते हैं, 77 में ये चुनाव लड़े थे, ये चुनाव जीत गए, चुनाव में भी लड़ा था, मैं चुनाव हार गए 77 के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, मैं मेरे साथियों कहता हूँ, विधायक साथियों को कई बार कहता हूँ कि हम लोग खुद आप भी जो 8-9 बार जीतते हैं, आप इस प्रकार काम क्यों नहीं करके दिखाओ कि आप भी 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार जोशी जी की तरह 11 बार विधायक बन सको, क्यों नहीं हम कर सकते हैं, हम हमें योग्यता है ये। वरना आप देखते हो कि 1 साल 2 साल बदल जाते हैं, तो आज गुलाब कटारी यहाँ बैठे अगर, और इनका जीवन आपने सुना सपने, ये तो प्रेरणा लेने वाली बात है कि 9 बार विधायक बनना और 1 बार पार्लियामेंट मेंबर बनना बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कटारी साहब जो है अब जो है, आज के बाद मैंने कहा राजस्थान का, आज मैंने अभी जब शाम को बोल रहा था, मैंने कहा भाई कटारी साहब अब आप राजस्थान का मान और गौरव बढ़ाएंगे आप आसाम के अंदर, उसके पहले मेरे भाव ये भी थे जो मैं प्रकट कर देता हूँ कि आजकल राज्यपालों के बीच में और सरकारों के बीच में टकराव चलता रहता है, केरल में भी, महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर में रहते हो, बंगाल में चला, जहाँ जहाँ सरकारें विपक्ष की होती है वहाँ चलता रहता टकराव, ऐसा टकराव पहले कभी देखा नहीं। तो मेरा कहना है कि आप तो संघ के कैडर के आदमी हैं और ज़िंदगी बिता दी आपने सभी तरह से, आप जाके ऐसा, अभी तो सरकार वहाँ बीजेपी की है, अभी आप जाके वहाँ तो आपको, अभी सी पी जोशी साहब कह रहे थे संविधान में जो जो अधिकार दिए गए उसका आप आराम से उनको आप लागू करेंगे, और राजस्थान का मान सम्मान मैंने इसलिए भी कहा कि राजस्थान भरे पड़े हैं आसाम के अंदर, उनको लगेगा कि हमारा घर का मुखिया यहाँ पर आया है, और आपकी ये खासियत भी है जब आप भावुक होते हैं तो उस ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी ऐसी तैसी करते हो, कमी नहीं रखी आपने हमारी, हमारे नेतृत्व की
मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने, जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद में ना तो आप स्पर्श के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारे रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो, तो आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मैं समझता हूँ कि आप जो है आसाम के अंदर अपना झंका बजाएंगे, राजस्थानियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके स्नेहल भावपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभी का ज्ञानवर्धन हुआ, सभी लाभान्वित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया 15वीं राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठतम अनुभवी सदस्य हैं। आपका करीब 4.5 दशक लंबा राजनीतिक जीवन काफ़ी प्रभावपूर्ण रहा है। आप प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। एक सक्षम और संवेदनशील विभिन्न भूमिकाओं में आपने विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। दीर्घ राजनीतिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न दायित्वों के कुशल निर्वहन के बाद आपका असम का राज्यपाल मनोनीत किया जाना राजस्थान के लिए प्रतिष्ठा और गौरव की बात है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उल्लेखित किया, आप असम में राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगे, ऐसी हम सभी आशा करते हैं। आपके विशाल, विराट, सरल, सहृदय व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अति विनम्र आग्रह, कृपया हमें अपने संबोधन से लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय श्री कटारिया साहब, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का बहुत आभारी हूँ कि आप सबको और मुझे यहाँ बुलाकर मेरे इस पद पर जाने के अवसर पर आपने मुझे शुभकामना देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इस अवसर का आपने हम सबको लाभ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी मन की बात सही सही कह दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदमी जैसा अंदर सोचता है वो मुंह से बोले, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनता आगे चलकर। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल साहब, आपके साथ कई बार उठापटक हुई, लेकिन फिर भी बाहर जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। और अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबके साथ, और इससे भी बड़ा भाग्य मेरा यह है कि मैं उस प्रारंभिक पीढ़ी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैं आदरणीय हरदेव जोशी जी के साथ भी, भैरव सिंह जी के साथ भी, मैं सोचता हूँ कि शिवचंद जी माथुर के साथ, पहाड़िया जी के साथ, मदेरणा जी के साथ, मैंने इन सब लोगों को बहुत नज़दीक से देखा। और मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ, मैंने अपनी सारी पढ़ाई, नौकरी और पढ़ाई साथ साथ करके मैं यहाँ आगे तक बढ़ा हूँ, कोई बहुत विलक्षण बुद्धि का आदमी भी नहीं। लेकिन आदरणीय भैरव सिंह जी ने और इन सब पुरानी पीढ़ी ने एक बात समझाई कि अगर तुम अपनी विधानसभा का धर्म ईमानदारी से निभाना चाहते हो तो अधिक से अधिक समय बैठने की आदत डालो, क्योंकि तुम सारा राजस्थान नहीं घूम सकोगे, लेकिन सारा राजस्थान यहाँ ये माननीय सदस्य आपके सामने लाकर उपस्थित कर देंगे, इनकी हर एक की बात का कोई न कोई महत्व निकलेगा, और वास्तव में उसके कारण से मुझे सीखने का मौका मिला। और मैं आप सभी सदस्यों से भी प्रार्थना करता हूँ कि जनता हमें सेवा करने भेजती है, आनंद करने के लिए नहीं भेजती।
जनता हमारा इतना मान और सम्मान बढ़ाती है, हमको इस ऊंचाई पर ला कर के बिठाती है, उस जनता के प्रति हमारा समर्पण, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। चुनाव हारना जीतना ये चलता रहता है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनता जिस भाव से आपको यहाँ भेजती है, उसका प्रतिनिधित्व हम पूरी ईमानदारी के साथ करें और एक इस बात की कोशिश करें, जो मैंने इन सब श्रेष्ठ पुरुषों से, मैंने भैरव सिंह जी को भी देखा, आपस में इस तरह से बहस होती थी कि ऐसा लगता था कि एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, लेकिन बाहर निकलते हुए दोनों एक ही कमरे में चाय पीते हुए मिल जाते थे, भोजन भी साथ साथ करते थे। इसका मतलब हमारा वैचारिक संघर्ष है, हमारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। इस विषय को हमें मन से पूरा पकड़ना चाहिए और मैं सीपी जोशी साहब का बहुत आभारी हूँ कि जब हमारी सरकार थी तब आप हमसे लड़ते थे, तब हम आपको बिठाते थे और आप भी ये कोशिश करते थे कि सदन चलना चाहिए। सच में अगर जनता की सेवा करना चाहते हो तो सदन को अधिक से अधिक चलाओ, जो कहना हो यहाँ कहो। अगर बिना बात किए हुए सदन खत्म हो जाएगा तो जनता की समस्या को रखेगा कौन यहाँ? हमको जनता ने उसकी समस्या को रखने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए भेजा है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है। इस विषय को समझने का प्रयास करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सीपी जोशी साहब और हम दो अलग अलग पार्टी में थे, डिबेट कंपटीशन में भी ये सामने आते थे, हम इधर से आते थे, लेकिन व्यक्तिगत स्नेह हमेशा बना रहा और उसके कारण से मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस बार 15वीं विधानसभा में आपने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, मैं आपका ये कर्जा कभी नहीं चुका सकूँ। मतलब आपने हर बात को समझ करके उसके अनुसार अपने आप को भी कई बार ढालने का प्रयास किया और किस तरह से सदन चले इसका प्रयास किया। ये पहला 15वीं विधानसभा है कि सीपीए के माध्यम से पहली बार हमको पता लगा कि सीपीए होता क्या है, और आपने देश भर के उन सब लोगों को आपने यहाँ इस सदन में बुलाकर इस सदन का भी गौरव बढ़ाया और हमारा भी जीवन में कुछ समझने के लिए एक तरह से आपने अवसर दिया। मैं सोचता हूँ जिंदगी की सफलता और असफलता बाहर कहीं नहीं मिलती, अपने अंदर है, इसको समझने का प्रयास करें। कोई गरीब नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है, ईश्वर सबको एक सी मशीन दे के भेजता है, उपयोग किस ढंग से करें ये अपने पर निर्भर करता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने वर्षों तक आपके बीच में रह करके बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर कोई चीज़ अपने को मिल रही है तो उसे उठाना चाहिए, लेना चाहिए। अब मैं आपको, अशोक गहलोत साहब आप नहीं जानते होंगे, मैं 80 में भी विधायकपुरी में रहता था, 77 में मैं आपको MP होते हुए भी मेरे उस स्वागत कक्ष में अपने लोगों को टेलीफोन करने के लिए दो दो घंटे बैठते हुए देखा मैंने। तो मैंने सीखने का प्रयास किया कि एक आदमी MP होते हुए भी इस स्वागत कक्ष में बैठ करके अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, इसका मतलब अच्छाई तो आप जहाँ से ढूंढो वहाँ से मिलेगा। मैं सोचता हूँ मैंने वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, मैंने भैरव सिंह जी के साथ भी काम किया, मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ ये मत करो, जो अंदर है वह बाहर बताने का प्रयास करो और सच को स्वीकार करो। मेरी बात कई बार यहाँ विधानसभा में मेरी बड़ी अजीब स्थिति में आके खड़ा हो गया और मैं, मेरे से कई लोग नाराज भी होते हैं कि आपने क्या कहा, मैंने कहा नो, जो सच है वो सच है, वो चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, सच को अगर झूठलाने का प्रयास करेंगे तो अपने जीवन में न्यूनता आने का प्रारंभ हो जाएगा। मैं सोचता हूँ हम जीवन में न्यूनता नहीं आए, इस विधानसभा के माध्यम से अपने से जो श्रेष्ठ लोग इस विधानसभा का गौरव और सम्मान बढ़ा के गए, ये उनकी इस हाउस में अपीयरेंस के कारण से बढ़ी है, केवल और केवल उनके नेता बनने से नहीं बढ़ी है। इन हाउस में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, किस तरह से विषय को रखा जनता के लिए और किस तरह से अपने आप को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कई बार सत्ता पक्ष से भी आता है, विरोध कोई अच्छी बात बताता है
तो मिलजुल करके उसको एडजस्ट करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिद नहीं करते हैं कि नहीं उन्होंने कहा इसलिए नहीं मानेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सब में से कई लोग जो सामने बैठे हैं, कोई 6 बार से, कोई 5 बार से, कोई 4 बार से, कोई 7 बार से, कोई 8 बार से मेरे साथ विधायक के रूप में रहे। आदरणीय कैलाश जी मेघवाल और हम दोनों एक साथ चित्रतन में आए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना यह है कि हम जनता के अधिकारी नहीं हैं, जनता के सेवक हैं। इस बात को दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए कि जनता यहाँ काम करने के लिए भेजती है, मस्ती करने के लिए नहीं भेजती। जनता आपसे कुछ चाहती है कि जब जनता आपको इतना ऊपर उठा करके, गुलाबचंद कटारिया की देलवाड़ा में भी कोई पहचान नहीं थी, आप जब 80 में चुनाव लड़े होंगे तो मेरे घर के डांडे केलू भी आपने देखे होंगे, बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रयत्न किया जाए तो सामान्य परिवार और गरीब परिवार को बाधा नहीं होती है, वो तो एक तरह से हमको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अभाव में से व्यक्ति खड़ा होता है तो व्यक्ति ज़्यादा मजबूत बनता है, उसके अभाव ही उसकी ज़िंदगी का आभूषण बन जाता है। लेकिन बस यही रहना चाहिए कि मुझे जनता ने जिस काम के लिए भेजा है मैं अपनी पूरी ताकत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ उस जनता का सेवक बनकर के काम करने का प्रयास करूँ। और मैं सोचता हूँ जब दुख की घड़ी में और जब चुनाव लड़ते हैं ना तो वही माई बाप हमको कोई उनको आशीर्वाद देता है, पता नहीं कब सोचता और कब देता है और हमारी गाड़ी पार हो जाती है। ये जो हम बार बार जीतते हैं ना उस जनता के आशीर्वाद से, हमने अगर उसका कोई अच्छा काम किया होगा, उसकी अच्छी बात की होगी, उसकी संग ठीक तरह से व्यवहार किया होगा तो वो सोचता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि 8 साल का बच्चा आ गया तो उसके साथ हमारा व्यवहार दूसरा हो, कोई बड़ा सेठ आ गया तो हमारे साथ व्यवहार दूसरा हो, कोई गरीब फटे कपड़े का आ गया तो हमारा व्यवहार दूसरा हो, ऐसा नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको जिस काम के लिए भेजा है वो छोटा बड़ा सब मेरे लिए सब कुछ है, उसको सोच करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र से अच्छा और क्या रास्ता है जिसके आधार पर आप और हम सब प्रयत्न करते हैं देश बनाने का। लक्ष्य तो एक ही है, और देश कब बनेगा, जब देश में रहने वाली सभी जनता को सब प्रकार से उनके जीवन को ऊपर उठा सके तभी देश बनता है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सीपी जोशी साहब, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अवसर को एक तरह से इधर बदलने का प्रयास किया। तो मैं आपको मुख्यमंत्री जी विश्वास दिलाता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, आपका हूँ, राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ना ये मेरे नस-नस में भरा। जहाँ भी आपको कभी एक शिकायत, ये जो इतने विधायक बैठे मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा, मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ। और मैं जहाँ हूँ, मुझे भी आप सेवा करने का मौका दें तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा, और प्रदेश के लिए भी जो कुछ मेरे इस स्थान का उपयोग होकर प्रदेश के हित में जो जो काम किए जा सकते हैं वो मैं चाहे प्रधानमंत्री से या और किसी से भी जाना होगा मैं निश्चित जाऊँगा। राजस्थान का उत्थान मेरा उत्थान है, आप और मेरा सबका साथ मिलकर के उत्थान है। मैं आपसे फिर, क्योंकि मैं कई बार बड़ा, आपने कहा, बड़ा भावुक हो जाता हूँ, कई बार आपसे भिड़ जाता हूँ, कई बार आपके साथ बड़ा कटु शब्दों का प्रयोग हो जाता है, कई बार आपको लगा होगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई किसी के वैर, दुश्मन या कोई गलत बात रहती नहीं है, कुछ क्षणिक रहती है, उसमें कुछ आवेश में कुछ अगर कमी खामी रही हो तो आप चाहे मंच हो चाहे आप हो, सबसे क्षमा याचना करते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेकर, आप सबका आशीर्वाद मेरे पर रहे ताकि मैं अपने काम को एक अच्छे जनसेवक की तरह से और संवैधानिक पद पर रहते हुए, संविधान की पालना करते हुए अपने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके सरल, सहृदय, भावपूर्ण उद्बोधन के लिए। आपने भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक खूबसूरती के विभिन्न प्रेरक उद्धरणों का उल्लेख कर हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपके ज्ञानवर्धक प्रेरणापूर्ण उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। राजस्थान विधानसभा का यह सदन
एक गौरवशाली व भव्य इतिहास के साथ साथ ही अगिनत स्नेहपूर्ण गरिमामय व आत्मीयता से भरपूर क्षणों का भी साक्षी रहा है, जैसा कि अभी विभिन्न माननीय नेतागण द्वारा अपने संबोधन में उल्लेख भी किया गया। राजस्थान विधानसभा का यह सदन विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों में आपसी सहयोग, स्नेहिल आत्मीय पारस्परिक संबंधों के लिए पूरे देश में विख्यात है, जहां विभिन्न विषयों पर मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। गुजर जाते हैं ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, रह जाएंगी स्मृतियां शेष रुके रास्तों की तरह। जी हाँ, साथ साथ रहते हुए यहाँ अनेक मधुर स्मृतियाँ बनती हैं, जैसा कि अभी बताया भी गया। पवित्र सदन की इन्हीं स्मृतियों के साथ हम चाहेंगे कि आज के विदाई समारोह की भी स्मृतियाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष के हृदय में चिरस्थायी रूप से बसी रहें। विदाई के इन भावुक क्षणों में राजस्थान विधानसभा व समूचे राजस्थान प्रदेश की इसी कामना के साथ कि एक भावनाशील व्यक्तित्व अपनी नई भूमिका में भी बेहद सफल हों, माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब को अपनत्व, सम्मान व आत्मीयता के साथ स्मृति चिन्ह आदि भेंट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले श्री शांति कुमार जी दारीवाल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि कृपया आप श्री गुलाबचंद जी कटारिया साहब को श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय नेता प्रतिपक्ष को साफा पहनाकर एवं शाल ओढ़ाकर सम्मानित करने के लिए अति विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब डॉक्टर सीपी जोशी साहब माननीय अध्यक्ष महोदय से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आभार की अभिव्यक्ति के लिए श्री शांति कुमार जी दारीवाल माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है। मैं सबसे पहले तो मैं संबोधित कर रहा हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को तथा इस विधानसभा क्षेत्र के सत्र के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब को, और अभी तक वो प्रतिपक्ष के नेता के बतौर विराजमान रहे आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया को तथा उपस्थित सभी विधायक साथियों, मैं सबसे पहले कटारिया साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए खास तौर पर यह गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने राजस्थान की तरफ देखा, क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान ने राजस्थान से कम भी 5 राज्यपालों की नियुक्ति की थी।
और दो एक प्रेसिडेंट की नियुक्ति की, प्रेसिडेंट का नियुक्त चुनाव किया। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान से दो उपराष्ट्रपति बनाए। एक तो शायद जिस वक्त बने थे वेरू सिंह जी, तब तक मोदी जी का नाम नहीं था, लेकिन आज जो उपराष्ट्रपति हैं वो मोदी जी के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तथा खास तौर पर गुलाब चंद जी कटारिया को जो है आसाम में राज्यपाल बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप राज्यपाल के रूप में अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को और परंपराओं को, गौरवपूर्ण जो परंपराएं रही हैं उनको, उनका निर्वहन करेंगे और राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। मोटे तौर पर जैसा आपने बताया कि आप एक शिक्षक के रूप में आपने नौकरी भी की और पढ़ाई भी की, बिरले आदमी मिलेंगे आपको ऐसे जो कि संसद सदस्य भी बन गए और 8-8, 9-9 बार जो है विधानसभा के सदस्य भी बन गए, बिरले आदमी मिलेंगे इस प्रकार के। तो निश्चित तौर पर ये आपकी लोकप्रियता का परिचायक है। आपके द्वारा जो भी समाज के हित में काम किए गए, जन समस्याओं को निपटाने के लिए तथा सरकार में रहते हुए भी उनकी सेवा करते हुए और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी उनकी बात को उठाते हुए जो आपने किया, उसके लिए आप निश्चित तौर पर जनता ने आपको दोबारा चुना। आपका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, प्रतिपक्ष के रूप में भी आपने जनहित के कई मामले उठाए और पुरजोर शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर सदन पर रखा। बड़ा निश्चित तौर पर यह आपका बहुत बड़ा योगदान था। विधानसभा में कई बार ऐसे क्षण भी आए कि आप भावुक हो गए, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, डॉक्टरों को यहीं बुलाना पड़ा। मुझे याद है 1997 का एक किस्सा, जब विधानसभा में भैरव सिंह जी की सरकार थी राजस्थान में, आप शिक्षा मंत्री थे और आदरणीय उपनेता महोदय राजेंद्र जी गेल राठौड़ साहब, कालीचरण जी, मदन जी दिलावर, प्रसादी लाल जी वगैरह ये सब जो है उस वक्त मेंबर हुआ करते थे। जालौर के भीनमाल में एक जैन मुनि के ऊपर ये आरोप लगा बलात्कार का, और उस वक्त जो भीम से आने वाले सदस्य थे माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने, उन्होंने सरकार से जो है उसका स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन स्टेटमेंट के लिए सरकार ने हानि भरी। तो आप खड़े हुए और आपने खड़े होकर के, शिक्षा मंत्री होने के बावजूद आपने खड़े होकर के ये मांग की कि स्टेटमेंट होना चाहिए, और अपनी बात कहते 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 आप इतने भावुक हो गए कि आंसुओं की धारा जो है आपके लगातार बहती गई। तो मैंने कई बार आपको भावुक होते हुए देखा है, लेकिन और कई बार कटु शब्द भी बोलते हुए देखा है, लेकिन कटु शब्द बोलने के बाद में जब आपन बाहर मिले तो गले मिलकर के और हुक्म करके बात करके करने का ये तरीका भी देखा है। और मोटे तौर पर जहां तक सदन का सवाल है, सदन में चूंकि आपको नेता प्रतिपक्ष के पद पर सुशोभित थे इसलिए, और दूसरा कारण ये भी रहा कि जो अध्यक्ष के पद पर जो विराजमान है सीपी जोशी साहब, वो आपके पड़ोसी है, तो आपने पड़ोसी धर्म भी निभाया और ये पड़ोसी धर्म दोनों तरफ से निभा। लेकिन निश्चित तौर पर तो संसदीय मंत्री का काम कम हो गया कम हुआ। पर निश्चित तौर पर यह बात सत्य है और मैं मन से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। प्रतिपक्ष के नेता आपका अपने साथियों पर
पूरा नियंत्रण रहा, जो अनुकरणीय है, बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रतिपक्ष के नेता की भी बात प्रतिपक्ष के सदस्य जो है वो पूरी तरह से नहीं मानते। लेकिन कई बार ऐसे मौके देखे गए जबकि आपकी बात को हूबहू मानते हुए अपनी अपनी सीटों पर लोग बैठ गए और बात को ख़त्म किया। कटारे साहब, आपकी एक कमी तो खलेगी, आप एक तरह से हमें बेजुबान करके जा रहे हो, हम किससे जिग-जिग करेंगे, किसकी बात को काट करके अपनी बात कहेंगे, ये कमी रहेगी। लेकिन उन बावर क्षणों में भी हमें यह खुशी हो रही है कि जिस पद पर आप, जिस पद राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वहाँ पर जाकर के अपना राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। आसाम एक ऐसा राज्य है और उसके आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं, नागालैंड है, अरुणाचल है, मेघालय है, मणिपुर है, वगैरह वगैरह, लाखों राजस्थानी वहाँ पर रहते हैं और व्यापार करते हैं। जब आपका समाचार पत्रों में जब ये खबर आई कि गुलाबचंद जी कटारिया को यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है, तो दो तीन टेलीफोन मेरे पास भी आए वहाँ से, आसाम से, और उन्होंने कहा हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजस्थान का एक आदमी जो है यहाँ पर राज्यपाल बन करके आ रहा है। तो पहले दो बार वहाँ पर राजस्थान के एक शिवचरण माथुर वहाँ पर राज्यपाल रहे और दूसरे श्री हरदेव जोशी जो वहाँ पर राज्यपाल रहे। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने आज जो है इस विदाई समारोह में उपस्थित होकर के हमारा मान बढ़ाया है। राज्यपाल बन करके आप जब जाएंगे, जब भी जैसा मुझसे कहा, जैसा अभी संयम लोढ़ा जी ने कहा कि आपका जाने के बाद जो है हम क्या, तो ये हमारी तरफ से ये पक्का मान करके चलिए कि जब भी आप राजस्थान आएंगे हम आपका उसी तरीके से स्वागत करेंगे जिस तरीके से एक राज्यपाल का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली रही है हम उसको भुला नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि आप तो जा रहे हो, अब इंतजार इस बात का है कि यह पद किसको मिलेगा। क्या वो ऐसा व्यक्ति को मिलेगा जिससे कुछ हमें सीखने को मिले? क्योंकि मोटे तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके जाने के बाद में हम बेजुबान हो गए। हम ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता ऐसा हो। सवाल जब आते हैं 11 से लेकर के 12 तक, तो मेरा ख्याल है आधे सवालों पर आप जो है अपना सवाल पूछते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखे हैं मैंने प्रतिपक्ष के नेता। तो मेहरबानी करके अगर हमारी चली तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि आपकी जगह कोई ऐसा आदमी बैठे जो हमें कुछ सिखा सके। तो मैं आपको अपने दिल से आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और राज्यपाल के पद पर आप सफल हों ये आपकी कामना करता हूँ, तथा वहाँ के राजस्थानियों को भी आप खुश रखें, उनके भी उनके उनकी उनकी तकलीफ़ों को जो है वो दूर करते रहें, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपके रोचक लेकिन भावपूर्ण उद्बोधन से सभी लाभान्वित हुए। आनंदित, अभिभूत व हर्षित करने वाले
आपसी स्नेह, अपनत्व, सम्मान, आत्मीयता से भरपूर मीठी स्मृतियों के ये हंसी खुशी के पल, भावपूर्ण पल, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में रेखांकित किए जाकर सदैव याद रखे जाएंगे। जब पक्ष प्रतिपक्ष के विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा अपने एक वरिष्ठ सहयोगी को गरिमामय भावपूर्ण विदाई देकर सम्मानित किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए आपसे आग्रह है। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। आप सभी सहभोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ यह समारोह यहीं संपन्न होता है। आपकी भावपूर्ण गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।